से मुखातिब हूँ, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, वो इन बच्चों पे पूरी तरीके से दामोदर। ज़कात फाउंडेशन के द्वारा मुस्लिम समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग किया जाता है। विगत 9 वर्षों से यह सहयोग फाउंडेशन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी ज़कात फाउंडेशन के द्वारा दुर्ग भिलाई के ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी गई। इस अवसर पर सेक्टर 6 कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि 100 से भी अधिक बच्चों को लाखों रुपये का सहयोग किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बच्चे एवं उनके पालक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। आज छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन हमारा जो एक कार्यक्रम पिछले 9 सालों से चलता हुआ आ रहा है, ये हम लोग इसमें जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको एजुकेशन के लिए मदद करते हैं। और ये हमारा 9th ईयर है, इसमें आज हम लोगों ने 112 बच्चों को लगभग 9 लाख रुपए इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है चेक के माध्यम से। ये डायरेक्ट स्कूल के नाम से होता है, इसमें क्लास 6 से लेकर के कॉलेज तक के स्टूडेंट हैं, जिसमें हम लोगों ने इनको फीस से मदद की है। देखिए, आपके सामने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के साथ में, और सबसे अच्छी बात ये है कि पिछले जो 4-5 सालों से जो जुड़े हुए हैं लोग, वो कंटिन्यू मदद ले रहे हैं, और उनके अंदर बहुत हमें बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि उनको पढ़ाई में काफ़ी मदद मिल रही है इस चीज़ के लिए। किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को और उनके पेरेंट्स? हम तो यही मैसेज देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके फाइनेंस के लिए वो बिल्कुल चिंता ना करें। ज़कात फाउंडेशन उनकी पूरी मदद करेगी हर जगह पे, बस वो अपनी पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करें। ज़कात फाउंडेशन रायपुर के द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम दुर्ग में रखा गया था भिलाई में। यहाँ जो बच्चे उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनके अच्छे परसेंटेज लाए थे, उन बच्चों को दुर्ग एंड राजनांदगांव जिले को बुलाया गया था, और उनके अस्तबल करने के लिए कुछ साली के लिए उनके जो अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको एक सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए गए थे। इवन उसके साथ ही साथ उन्होंने इनको डोनेशन की जो स्कॉलरशिप की राशि भी सभी दिए हैं, जो अपने बच्चे वो आगे चल करके और अच्छे एजुकेशन गेन कर सके। ज़कात फाउंडेशन रायपुर इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, और मेरा मुबारकबाद उनके लिए। इतना अच्छा काम तो खरखा इस्लामिक कौम के मुस्लिम जो कौम हैं उनके तरक्की के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उन्हें अच्छी पोस्ट गेन करने के लिए एजुकेटेड कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा उत्साह यहाँ पे हमने देखा है कि खासकर तो जेंट्स ज़्यादा, गर्ल्स के फीमेल के लड़कियाँ उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इससे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम उनमें इसको रुझान तो है, देखें तो कम से कम बच्चे क्या करें, क्या हो रहा करके। आगे आने की कंपटीशन जमाना है, इन लोगों को उसको देख करके आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैसेज ये करना चाहेंगे, वह बच्चों को अच्छी तालीम दें और उनको प्रोत्साहित करें और उनको एजुकेटेड करें, और एजुकेशन की ओर उनका रुझान बढ़ाए, तभी आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। ये छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के द्वारा इनका 9वां साल है। ये बच्चों को, ये होनहार बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ये फैसिलिटेशन करते हैं, और जो बच्चे गरीब हैं उनको भी मदद करते हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो भी अच्छी तालीम हासिल कर पाते हैं। तो जो हमारे जो मुस्लिम कौम है उसमें जो बच्चे हैं जो कि पैसे की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये एक बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ फाउंडेशन ने ये स्कीम जो चालू की है, और बहुत अच्छा मतलब यहाँ रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, काफ़ी बच्चे आए हैं जो उनको कि बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का, और इंशाल्लाह ये आगे जा कर के बेहतर मतलब समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे, हर समाज के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे हमारी कौम के लिए, और एक अच्छे डॉक्टर जो कि सभी मतलब जितने मतलब प्रदेश के लिए और देश के लिए जो वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो मतलब इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, मेरे ख्याल से इसको इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की भी और स्टूडेंट्स की भी जिनको मिल रहा है, कि ये जो पॉवर्टी की चेन है उसको ब्रेक करें और इनकी नेक्स्ट जनरेशन ये कंट्रीब्यूट करने वाली बने। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी है पेरेंट्स की भी कि अपने बच्चों को जो इनकी मदद मिल रही है उसके ज़रिए बच्चों को अच्छी तालीम दें और उसको इस लायक बनाएं कि वो आगे जाके इन्हीं की संस्था को पैसों से और मदद करें, ताकि और दूसरे बच्चों का भला हो सके।
ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मेरे ख्याल से ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि मैंने सुना है कि कई बच्चे जो यहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए हैं वो अभी संस्था को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सानिया कौशल गवर्नमेंट उसके बाद कृष्णा पब्लिक स्कूल से दो बच्चे हैं।